हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस लिमिटेड टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के डिटेल्स। तो बेसिकली ये कंपनी एक नीच सेगमेंट में काम करती है। नीच सेगमेंट का मतलब कि इस सेगमेंट में ज़्यादा प्लेयर्स होते नहीं हैं। जैसे कि इनका मेजर बिजनेस ऑप्टिक्स का है, तो इसरो को भी इस काफ़ी कुछ सप्लाई करती है। और फिर इनका ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ भी ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स हैं इनके और इंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स हैं, यानी डिफेंस सर्विसेज में इंटीग्रेट करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके कस्टमर्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ऑल्दो गवर्नमेंट है, बट डिफेंस पे स्पेंडिंग इंडिया की बढ़ रही है रेगुलरली, सो इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी बेटर है। और ये आप सब्सक्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ये पहले ही दिन 32.9 थी, यानी लगभग 33% ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। 1% इज 100% सब्सक्रिप्शन एंड इट हैज़ बीन सब्सक्राइब 32% मोर टाइम्स, और अभी 2 दिन बचे हुए हैं। तो ये आईपीओ डेफिनेटली बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन्स देने वाली है। अब देखिए इसका प्राइस रेंज क्या है, 165 to 175। अगेन मिनिमम इन्वेस्टमेंट यही है 14025, दैट इज़ 165 के ब्रैकेट में। अपर ब्रैकेट पे ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट क्योंकि ये बहुत हेवीली ओवर सब्सक्राइब्ड है, इनका प्रीमियम भी लगभग 100% से ज़्यादा चल रहा है। आई थिंक 120% के आसपास है, घटता बढ़ता रहता है, बट 120%। तो आप जो मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है 150 to 200% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो इस पर ज़रूर अप्लाई करें और कट ऑफ पे अप्लाई करें, यानी हायर रेंज पे। लोअर रेंज पे भी डालें कोई मतलब नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत कम लोगों को मिलना है, बहुत ज़्यादा हेवीली ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। तब आइए देखते हैं इस कंपनी के बाकी डिटेल्स। अब देखिए पेटीएम मनी का डिटेल्स पेज है और मुझे ये समरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, जैसे मिनिमम क्वांटिटी हम देख चुके हैं, मिनिमम क्वांटिटी क्लोज ओपन डेट देख चुके हैं, एप्लीकेशन टाइमिंग हमेशा 10 से 5 ही रहती है आईपीओ में। ऑलरेडी ये प्री ओपन पे था, कुछ लोग अप्लाई कर चुके हैं, मैं भी पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ इस पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगेन ये लोअर रेंज पे, हायर रेंज पे 85 × 10 ₹850 और एक्स्ट्रा लगेंगे, बट हम हायर पे ही डालें इसको। अब आते हैं पारस डिफेंस के डिटेल्स। जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक नीच सेगमेंट में है, यानी ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिन जिन प्रोडक्ट्स के लिए प्लेयर्स मार्केट में बहुत कम हैं। तो क्योंकि डिफेंस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, हमारा बजट, हमें चाइना से कम्पीट करना है, चाइना पाकिस्तान दोनों ही प्रॉब्लम्स हमारे लिए, तो हमारा बजट कंटिन्यूसली बढ़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट्स की डिफेंस सेक्टर में PLI स्कीम आ रही है, प्लस गवर्नमेंट ने FDI अलाउ किया है डिफेंस में, दैट इज़ 100% FDI, और ये सब अभी 2-3 साल के अंदर हुए हैं। तो इन सब का रिटर्न दिखने में हो सकता है 2 से 3 साल और लगे, क्योंकि कंपनी सेटअप हुई है, फिर नई कंपनीज को 15% टैक्स ही लगेगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज इस मार्केट में इंटर कर चुकी हैं, और जैसे अडानी, टाटा, ये सब बड़ी कंपनीज में इंटर की हैं डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस में इंडिया में ग्रोथ काफ़ी होगा। गवर्नमेंट इंडिजनाइजेशन, यानी इंडिया में ही बनाने पे बहुत ज़्यादा, मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इन सारी कंपनीज, बाकी कंपनीज भी जो डिफेंस में एंटर किए हैं, जैसे रिलायंस, अडानी, टाटा, वैसे ही पारस डिफेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो मतलब अभी के टाइम में डिफेंस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर्स, पोटेंशियल भी है, ग्रोथ होगा भी डेफिनेटली। और ये ऑलरेडी इसरो को सप्लाई करती है और डिफेंस के ऑलरेडी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो इस पर सब लोग ज़रूर से अप्लाई करें। अब आइए देखते हैं डिटेल रिपोर्ट जो कि पेटीएम मनी खुद से दिया करती है। तो इस डिटेल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं, जैसा इश्यू अमाउंट अभी है 171 करोड़ का, मार्केट कैप हो जाएगा उनका 683 करोड़, वो भी अपर बैंड पे, बट आई एम प्रिटी सर्टेन कि ये 200% मतलब 100% रिटर्न देगा। दैट मीन्स ये 1200 करोड़ या 1300 करोड़ के आसपास इसका एक्चुअल मार्केट कैप हो जाएगा। 1300 करोड़ से ऊपर ही होगा, मुझे नहीं लग रहा कम होगा। शेयर्स इतने हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता शेयर पे, प्राइस बैंड ऑलरेडी देख चुके हैं हम, लॉट साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, रजिस्टर से फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए रिटेल सेक्शन में 35%, यानी मैक्सिमम शेयर्स इन्होंने, काफ़ी बड़ा चंक, यूजुअली रिटेल पे 10% लोग डालते हैं या कम डालते हैं, क्योंकि ये मैंडेट है सेबी का, तो रिटेल में देना ही है एक पोर्शन, बट रिटेल में काफ़ी बड़ा पोर्शन दिया हुआ है। फिर भी रिटेल पोर्शन अभी भी 33% सब्सक्राइब हो चुका है, दैट मीन्स 32% ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो इसका डिमांड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल लिस्टिंग।
अगेन GMP जैसा मैंने बताया, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो भी काफ़ी हाई चल रहा है। और बाकी कैटेगरीज में हाँ, तो ये हुआ है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अभी एक कम सब्सक्राइब किया है, तो पेटीएम के होम पेज पे वो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स दिखता है, क्योंकि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, विच इज़ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो अगर आप आओगे तो यहाँ दिखेगा ये कि अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ने अप्लाई नहीं किया है ज़्यादा, बट ये लोग क्या करते हैं, थर्ड डे पे मैक्सिमम एप्लीकेशन जाता है। तो और ये लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते ओवर सब्सक्राइब करने का, बट दिस इज़ गारंटीड टू बी ओवर सब्सक्राइब बाई थर्ड डे। कितना ओवर सब्सक्राइब आई डोंट नो, बट इट सीम्स कि ये पूरा इशू इट माइट बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन IPO। अभी तक जैसे पिछले साल हमने देखा है कि 120% तक ओवर सब्सक्रिप्शन गया है, तो ये ऑलरेडी 32% 17% पे है फर्स्ट डे। लास्ट डे में भी इसमें काफ़ी ट्रैक्शन दिखेगा, तो लेट्स सी ये क्रॉस करता है कि नहीं, बट डेफिनेटली इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत हेवली होगा, तो ज़रूर अप्लाई करें इस पर। अब वापस हम आते हैं डिटेल रिपोर्ट पे। तो डिटेल रिपोर्ट में अब इस सेक्शन में जाएंगे, ये हम देख चुके हैं कि कब क्लोज हो रहा है, कब ओपन हो रहा है। 28 सितंबर को अलॉटमेंट है, बेसिकली फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट। 29 को ये रिफंड स्टार्ट कर देंगे, 30 को आपके अकाउंट में, DPA अकाउंट में, मतलब CDSL या NSDL, जो भी आपका DPA डिपॉजिटरी, उसमें शेयर्स आ जाएंगे और 1 अक्टूबर से ट्रेडिंग कमेंस हो जाएगी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो पैसों करेंगे क्या, तो इनका मेजॉरिटी चंक आई थिंक अराउंड 40% के आसपास ये स्पेंड करने वाले हैं मशीनरी पे। तो मशीनरी पे स्पेंड करने का मतलब है कि कंपनी ग्रो करना चाह रही है। देन ये वर्किंग कैपिटल के लिए काफ़ी बड़ा चंक यूज़ करने वाले हैं। रीपेमेंट के लिए लोन भी चुकाना ज़रूरी है, बिना लोन के कोई कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाती या चल नहीं पाती, तो लोन के लिए वो एक छोटा चंक स्पेंड करेंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दिया नहीं है, बट आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वैल्यू, जो पैसे इनको मिलेंगे उस बेसिस पे कुछ पोर्शन जनरली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, विच इज़ फाइन, मतलब ये ठीक भी है, ये स्पेंड करना ज़रूरी भी है। अब आते हैं नीचे कंपनी के बारे में, जैसे बता चुका हूँ मैं कि ये डिफेंस सेक्टर में है, इसरो को भी सप्लाई करती है क्रिटिकल एमिनल कंपोनेंट्स, इंडिया ही है, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी बहुत बड़ी वेंडर है, बट इनका प्लान बाहर मार्केट में एक्सपैंड करने का। जैसे अब देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा गवर्नमेंट का प्लान क्या है, टारगेट क्या है, 5 बिलियन करने का डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाई 2025। तो इन सब में पैसे किनके पास आएंगे, जो डिफेंस सेक्टर में कंपनीज हैं, अडानी, टाटा, पारस, इन्हीं सब के पास पैसे आएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट, हाँ HAL के भी एक्सपोर्ट्स हैं, डेफिनेटली HAL को भी बेनिफिट मिलेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यानी सारे अपने डिफेंस फोर्सेस, दैट इज़ आर्म, एयरफोर्स, आर्मी, इन सबको डायरेक्ट डायरेक्शन दिए गए हैं प्राइवेट से। कुछ जैसे कुछ डील्स तो हैं सीधे प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज के हैंड में दिए जा रहे हैं, जैसे जो अब 114 फाइटर प्लेन्स का नया डील है, दैट हैज़ टू बी बिटवीन अ फॉरेन वेंडर विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एन इंडियन प्राइवेट कंपनी। वो HAL के साथ मैंडेट नहीं कर, पहले हमेशा हुआ करता था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ टू हैपन ओनली फॉर HAL, केवल HAL को देंगे, HAL ही बनाएगी, गवर्नमेंट उसे हट रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा तेज़ मूव करती हैं। HAL बींग अ गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा स्लो मूव करती है, थोड़ा क्या काफ़ी स्लो मूव किया है, बहुत टाइम लगा है हमें कुछ कुछ बनाने में, ऑल्दो अब गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है HAL पे भी, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर की स्पीड को मैच कर पाना किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे PLI स्कीम्स और सबका बेनिफिट पारस को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा इफ दे एबल टू मेंटेन, बट क्योंकि एक अभी ये यंग कंपनी है, प्लस इंडिया में डिफेंस का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है एंड गवर्नमेंट का इतने सारे स्कीम्स आ रहे हैं, तो ये कंपनी डेफिनेटली विल बी ए गोल्ड माइन। अब आइए देखते हैं आगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये दिस इज डेफिनेटली ए स्ट्रेंथ, ये काफ़ी कुछ बना रहे हैं इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिकल सेंसर, जैसे बताया कि ऑप्टिक्स में इनका बहुत बड़ा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इसरो यूज़ करती है। अब वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन हाई प्रिसीजन ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो यस इंडिया में इंडिविजुअल प्लेयर है, गवर्नमेंट की PLI स्कीम इंडियंस के लिए है, तो इसका स्ट्रेट एडवांटेज
पारस को डेफिनेटली मिलेगा। R&D कैपेबिलिटीज़ तो हैं ही, सारी कंपनी स्पेंड करती है, पारस भी स्पेंड कर रही है काफ़ी कुछ। और जैसा हमने देखा कि जो पैसे IPO से मिलने वाले हैं उनको ये मशीनरी और काफ़ी कुछ R&D में खर्च करने वाले हैं, तो ये और बेटर ही होगा। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जैसा मैंने पहले भी मैंशन किया कि जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई हैं, प्राइवेट सेक्टर को जितना पुश दिया जा रहा है, तो पारस विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। और हाँ, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है इनके, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी ज़्यादा है, इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट यस, इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है। डिफेंस में कुछ ही कंट्रीज है जो बहुत अच्छा कर पा रही है, इंडिया इज़ वन ऑफ देम, बट इंडिया विल ग्रो फर्दर, क्योंकि अभी तक इंडिया में सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस को हैंडल करती थी। नाउ इज़ अ टाइम वेन प्राइवेट सेक्टर इज़ गेटिंग अ पुश, तो आपके बाद इंडिया विल डू मच बेटर। अभी भी हमारा पोजिशन काफ़ी अच्छा है, हमारे पास डिफेंस में काफ़ी कुछ अवेलेबल है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, बट हमारे पास काफ़ी कुछ है, यानी हमारी इनहेरेंट मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सब इन हाउस बना है, तो उसके सारे वेंडर्स यहीं से थे। ऑप्टिकल सेंसर तो मोस्टली हो सकता है पारस से ही लगा हो, मुझे पूरा डिटेल्स अभी नहीं है, बट जैसे पुराने प्लेटफॉर्म वाली चीज़ें वो हम इम्पोर्ट करते हैं, प्लेन्स वगैरह, प्लेन के इंजिनस, ये सब अभी इम्पोर्ट हो रहे हैं, बट काफ़ी कुछ ग्रोथ हो चुका है। तो डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी हमारा स्ट्रांग है, वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ कंपनीज लाइक पारस, टाटा, अडानी, रिलायंस, एवरीबडी इन द प्राइवेट सेक्टर हु इज एंटरिंग दिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर डिफेंस। रिस्क क्या है? स्लो डाउन इन बिजनेस ऑपरेशंस, ये तो जनरल टर्मिनोलॉजी है, तो किसी किस कंपनी के साथ होगा, नथिंग स्पेशल विद पारस। हाँ, अब इसमें एडवर्स चेंज, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर कम हो जाएगी, बट पर्सनली और प्रैक्टिकली अगर आप देखें जो बॉर्डर्स पे हो रहा है हमारे ईस्ट और वेस्ट, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों साइड में, तो कोई रीज़न नहीं है गवर्नमेंट को आज या आज से 10 या 20 साल के बाद भी डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करने का, क्योंकि चाइना डॉलर टर्म्स में भी हमसे, उनका एक्चुअली 160 बिलियन है, बट PPP टर्म्स में दे आर मच अहेड ऑफ अस इन स्पेंडिंग। हमारा ऑल्दो 60-65 बिलियन के आसपास एक्सपेंडिचर है, जिसमें 30 बिलियन हम लोग, 30 बिलियन हमारे इम्पोर्ट ही में चला जाता है, तो 30 बिलियन वी कैन कैलकुलेट फॉर PPP, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, तो ये 30 बिलियन के आसपास इंडिया में खर्च होते हैं, बाकी बाहर जाते हैं, तो डॉलर टर्म्स में सेम है, बट इनका सब PPP में कैलकुलेट होगा, यानी 160 × 4, तो लगभग 20 बिलियन के आसपास आप मान सकते हो ये खर्च करते हैं, और हमारा दिस इंटू 70 होगा, क्योंकि हम डॉलर 70 टाइम्स वीकर हैं, 70-74, तो 210 बिलियन ये हो जाता है, 30 बिलियन तो 250 बिलियन, तो दे आर स्टिल एंड टाइम्स, यानी लगभग 3x टाइम्स स्पेंड करते हैं। और मतलब आप इस कैलकुलेशन इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर डॉलर टर्म्स में ही देखें तो भी दे आर स्टिल 3 टाइम्स बिगर देन आवर एक्सपेंडिचर, उनका एक्सपेंडिचर हमसे बड़ा है, तो हमें उनको मैच भी करना है। एक तो आप देख ही रहे हैं कि बॉर्डर पे क्लैशेस चाइनीज़ के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इंडियन ओशन में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, घटने का कोई चांसेस नहीं है फॉर नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। एनीवेज, अमेरिका और अदर कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन पे या एशियन रीजन पे बहुत ज़्यादा घट चुका है, तो नेक्स्ट डिकेड विल बी प्रोबेबली वॉर, कोल्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इटसेल्फ। पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, ऑल्दो वी स्टिल हैव टू स्पेंड लॉट, हमें खर्च तो करना पड़ेगा पाकिस्तान साइड पे भी, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर विद चाइना, और उनको मैच करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ेंगे, और इंडिजनाइजेशन से हमारा PPP के थ्रू हमारा बजट हो सकता है वेरी सून विल क्रॉस चाइना एज वेल, क्योंकि अगर हम इंडिया में खर्च करेंगे तो ईच बिलियन विल गेट मल्टीप्लाई, ईच डॉलर विल गेट मल्टीप्लाई बाई 75 रुपीज़, दैट इज़ कन्वर्जन रेट, तो वी विल बिकम अ बिगर एक्सपेंडिचर देन चाइना, ऑल द डॉलर टर्म्स हम स्मॉलर ही रहेंगे, बट एक्चुअल स्पेंडिंग में हम उनसे आगे निकल जाएंगे, ये होना ही होना है, क्योंकि हमें चाइना को मैच तो करना ही पड़ेगा। वी बोथ आर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वार तो होगा नहीं, कन्वेंशनल वार हुआ करेगा बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, तो वी नीड टू मैच देम एटलीस्ट, इफ नॉट बीट देम, तो दिस इज़ नॉट अ कंसर्न, आई डोंट सी दिस इज कंसर्न। टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स विद एग्जीक्यूटिव थर्ड पार्टीज कैन इम्पैक्ट बिजनेस, यस, ये तो सभी के साथ होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो टूट सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ कंसर्न। अगेन, डिले डिलीवरी, यस,
ये थोड़ा सा कंसर्न है, बट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। जैसे अगर आप सोफा ऑर्डर किए 2 दिन डिले आ गया, तो अगेन यू डोंट गो एंड कैंसिल, ऑल्दो वो कंपनीज अलाउ भी नहीं करती, बट फिर भी आप कैंसिल नहीं करते हो। बट यहाँ पे डिलीवरी टाइम सेंसिटिव होते हैं। जैसे मान लो आप मंगलयान 2 या चंद्रयान 2, इन सब के लिए अगर आप कुछ इक्विपमेंट बना रहे हो पारस, तो दे हैव टू मीट द डेडलाइंस। अगर नहीं होगा तो पैसे पार्शल पेमेंट होते हैं, कई बार नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट दैट इज़ फाइन। नीश बिजनेसेस में ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। और फेलियर टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ठीक है, ये चैलेंजेस डिफेंस सेक्टर में सभी को है, नॉट नथिंग स्पेसिफिक पारस, ये तो टाटा अंबानी को भी फेस करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ, वेरी फ्यू वीकनेसेस। कंपनी पहले नेगेटिव बैलेंस शीट भी रही है, जो कि यहाँ मैंशन नहीं है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में मैंशन है वो, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न गोइंग अहेड। क्योंकि पहले आप इन्वेस्ट करते हो, अगर गवर्नमेंट को पोटेंशियल दिखेगा, गवर्नमेंट बॉडीज़ को पोटेंशियल, इसरो HAL इन सबको पोटेंशियल दिखेगा, तभी तो ऑर्डर डालेंगे। तो पहले तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, तो देर विल बी नेगेटिव कैश फ्लो, बट गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट सी इट। अगर ये कंपनी R&D पे अच्छा खर्च करती रहेगी, तो इट विल बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, लेट अलोन इन इंडिया। अब देखते हैं कि इनका प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट जैसे 15 करोड़ है, ऑल्दो ये छोटी अमाउंट है, बट दिस इज़ अ गुड सिग्नल कि आप प्रॉफिट तो बना रहे हो। और जो नए पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट होंगे अगेन मशीनरीज और R&D में, तो दैट विल हेल्प इट टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या एक्सपैंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फर्दर, डेफिनेटली। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, दिस इज़ ऑलरेडी गुड ग्रोथ, मतलब दिस इज़ ऑलरेडी गुड मेट्रिक। एंड ये कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर हमारा बड़ा होता ही जाएगा अभी फ्यू डेकेड्स, इट्स नॉट जस्ट फ्यू इयर्स, फ्यू डेकेड्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। अगेन पीयर कंपनी में कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो दिस इज़ अ फर्स्ट कंपनी इन डिफेंस। हाँ, HAL लिस्टेड है, बट HAL इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट कंपनी, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पीयर्स बेसिकली में HAL को आप कंसिडर कर सकते हो, बट इट्स एंटायरली डिफरेंट। तो दोस्तों, पारस IPO के लिए इतना ही। कोई भी कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।